चैप्टर हमारा एंड हो चुका है। अब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप है हमारे पास में, है ना। तो पहला सवाल इसका पढ़ते हैं, पहला न्यूमेरिकल क्या है। पहला बन कह रहा है दो समान तार, एक समान तार, दो एक समान तार ए तथा या बा बी की प्रत्येक की लंबाई एल है। तो एक समान तार है, दोनों की लंबाई एल है, बराबर लंबाई के हैं, में समान धारा आई प्रवाहित हो रही है और दोनों में विद्युत धारा भी आई ही प्रवाहित हो रही है। ए को मोड़कर आर त्रिज्या का एक वृत्त और बी को मोड़कर भुजा ए का एक वर्ग बनाया जाता है। यदि बी ए और बी बी क्रमशः वृत्त और वर्ग के केंद्रों पर चुंबकीय क्षेत्र है तब अनुपात बी ए अपॉन बी बी होगा, है ना। यानी पहला वाला वर्ग बना दिया, तो वर्ग नहीं वृत्त बनाया ना, तो वृत्त इस प्रकार से बनेगा, हो गया वृत्त ठीक। इसका केंद्र हमने ये मान लिया, रणन बताया कि इसकी त्रिज्या लेनी है आर, ये त्रिज्या, और दूसरे वाले को क्या बना दिया वर्ग, तो वर्ग ये स्टैक से लेना है, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर, और इसका केंद्र इन्होंने ये बता दिया, इसकी भुजा कितनी है ए, कोई सी भी ले लो ए है। आ गई बात समझ में। अब कहा कि इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है बी ए, इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है बी बी, हमें बताओ कि बी ए अपॉन बी बी का मान क्या हो, दोनों में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है आई ही है, इसमें मान लो इसमें क्लॉकवाइज मान लो आई कैपिटल आई है ना, इसमें भी क्लॉकवाइज मान लेना मतलब दक्षिणावर्त ऐसे करके, ऐसी तो होगी ऐसे इसमें कहा उल्टे हो आगे समझ में। लेकिन आर और ए में कुछ रिलेशन होगा, क्यों, क्योंकि इसकी भी टोटल लंबाई एल है, उसकी भी टोटल लंबाई एल, आर का मान एल में चेंज कर लो, उधर ए का मान एल में चेंज, तो यहां पर ये एल लंबाई का तार ही मोड़कर बनाया गया है, मतलब इसकी परिधि बराबर होगी एल के बराबर, मतलब 2πr बराबर एल, या आर बराबर हम बोल सकते हैं एल बटे, सेम इधर ही ये वर्ग भी किससे बनाया गया एल से, तो इसमें कितने ए आएंगे, कितने बोझा एक दो तीन चार, चार ए बराबर एल हो गया, कितने ए बराबर चार ए बराबर एल, तो एक ए का मान कितना हो गया एल बटे चार, आया समझ में। इसके कारण तो हमें फार्मूला पता ही है, कोई वृत्ताकार कुंडली होती है उसमें धारावाही, धारावाही वृत्ताकार कुंडली का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर हमने फार्मूला निकाला था B बराबर म्यू जीरो अपॉन टू और I अपॉन त्रिज्या, इसके कारण नहीं निकाला था, लेकिन परिमित लंबाई के तार के कारण निकाला था, तो इसकी एक भुजा मान लो परिमित लंबाई की है, जो एक के कारण आएगा वो चारों के कारण है, फिर चार से गुणा कर देना, चारों का केंद्र पर सेम ही दिशा होगी, जैसे यहां पर ये इधर को जा रहा है और हमें यहां ज्ञात करना है ऊपर को, अंगूठा किधर करेंगे इसी की दिशा में, और अंगूठा कैसा होना चाहिए फिर, तो विद्युत धारा दिशा में ये ऐसे होगा फिर, विद्युत धारा दिशा में अंगूठा हो गया और उंगलियां उस बिंदु की ओर जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो कागज पल की लंबत अंदर की ओर हथेली जा रही है ना, तो यहां पर भी अंदर की ओर, फिर घुमाओगे अंदर की ओर और यहां पर भी सभी के लिए अंदर की ओर होगा, तो सभी के कारण निकालोगे तो जोड़ेगा ही, पहले मैं इसके कारण निकाल रहा हूं, इसके कारण होगा बी ए बराबर म्यू जीरो अपॉन टू आई अपॉन आर, आर का मान लगा लेंगे ये वाला, तो क्या आ जाएगा भाई म्यू जीरो अपॉन टू आई अपॉन आर का मान एल बटे टू टू पाई, तो एल तो बटे में और टू पाई पहुंच गया ऊपर, टू ने टू काट दिया, तो बी ए का मान क्या आ गया भाई म्यू जीरो ऊपर बचा पाई आई अपॉन एल, उसका भी निकाल लो इसी तरीके से, तो हम एक के कारण निकाल रहे हैं भाई, परिमित वाले के लिए क्या होना चाहिए दोनों सिरों से पता होना चाहिए कोण क्या बन रहा है यहां पर, ऐसे
है ना। तो ये कोण कितना बनेगा भाई, और ये 45 45, तो सम क्या है ये वर्ग है, वर्ग का प्रत्येक कोण लगता है अंश का, और जो केंद्र होता है वो सेंटर में होता है, कहते बीचों बीच में, इसलिए कोण भी बीचों बीच आधा इधर हो जाएगा आधा। तो ये 45, ये भी 45, और ये जो होती है वो हम लंबवत वाली लेते हैं, ये दूरी हम मान ले रहे हैं क्या आर, ये स्मॉल आर मान लो, और स्मॉल आर का मान क्या होगा, ए बटे दो होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये भुजा है ना पूरी यहां से यहां तक, इसकी आधी तो होगी यहां तक। तो अब लगा दो परिमित लंबाई तारा तार का, तो बी बी बराबर पहले तो चार से गुणा कर लो क्योंकि चारों का कारण निकालना है, फिर एक के कारण क्या आता है म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर ब्रेकेट में साइन थी 5 1 लिख लो, ये 45 ही है, प्लस साइन 45 5 2 होता है ना, ये आ गया, चार से चार काट लो भाई, ऊपर हो गया म्यू जीरो और आई बड़ी वाली आई है ना प्रवाहित विद्युत धारा, बढ़िया, और अपॉन में पाई हो गया है ना आर, आर का मान लगाओ ए बाई टू, और ए का मान यहां लगा दो इसका भी, तो एल बटे आठ हो जाएगा, अरे यहां ए का मान लगाओगे देखो आर का मान एक ही जगह पे लगाओगे एल बटे चार बटे में आ जाएंगे, और दो पहले से इसके बटे में, तो एल बटे आठ हो गया, नहीं हो गया, तो यहां आर का मान लगा रहे हैं एल बटे के आठ ऊपर पहुंचेंगे, गुणा में पहुंच जाएंगे ऊपर। अब यहां पर साइन 45 दो जगह है, तो दो लिख लो, दो साइन 45 है ना, साइन दो की गुणा कर लेना, आठ दूनी 16 हो गया, क्या भाई 16 पहले लिख लो अंक म्यू जीरो आई अपॉन पाई इंटू एल, और साइन 45 का मान 1/√ हमसे पूछा गया, हमने पूछा गया है कि बी ए अपॉन बी बी, तो बी ए वाला मान ऊपर लिख लो या जैसा वैसा ही लिख लो म्यू जीरो पाई आई अपॉन एल, गोला में लिख ले रहे हैं लेकिन इसका मान उल्टा करके लिख लेना, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला, तो ऊपर हो जाएगा पाई एल है ना, और अंडर रूट 2, अब भाग में 16 म्यू जीरो आई, और कुछ बचा ए को क्या लिखोगे, नहीं लिखो काट लो भाई, आई ने आई काट दिया, म्यू जीरो ने म्यू जीरो काट दिया, एल ने एल काट दिया, अब देखो किस रूप में दिया, अंडर रूट 2 ऊपर दिए नीचे दिए आंसर में, दोनों देखो ए और बी, वो ए और सी में अंडर रूट 2 आया, वो भी बटे में, तो बटे में अभी हम हल करते हैं, पहले तो हो गया पाई स्क्वायर ऊपर और अंडर रूट 2, नीचे हो गया 16 है ना, अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा फिर, है ना, पाई गुणा 2 बटे 16 गुणा अंडर रूट 2 स्क्वायर हो जाएगा पाई पर, क्योंकि एक पाई इसके और एक पाई इसके, ये 8 आ गया है ना, तो आ गया पाई स्क्वायर बटे 8 अंडर रूट, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट, आ गया समझ में, ठीक, पहले ये नोट करना है, फिर वो नोट करना है, फिर बीच वाला नोट करना है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा दूसरा, अगला क्वेश्चन कौन सा है, दूसरा, क्या यदि लंबे पाइप अर्थात क्या बोला, खोखले तावे के बेलनाकार चालक में से दिष्ट धारा बह रही है तो उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये सपोज कर लो, दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस टाइप से खोखला पाइप है, हाँ, यानी ये तावे का क्या है, ये बेलनाकार पाइप है, ये एक समान है, ध्यान रखना, तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये जो इसकी परिधि पर धातु लगी होगी उसमें ही विद्युत धारा जाएगी, तो इसके अंदर थोड़ी घुस जाएगी, ये इसमें थोड़ी चली जाएगी, अगर ये कैसा होता, बर्तल होता पूरा ठोस होता तो जाते ना उसमें, करंट तो वहां जाएगा जहां धातु होगी और मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यहाँ बीच में थोड़ी होगी है ना,
तो अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो इसकी परिधि में से जाएगी, अंदर जाएगी नहीं, तो अंदर क्या चुंबकीय क्षेत्र होगा फिर, क्योंकि एम्पियर का पर्पति नियम कहता है जहां चुंबकीय क्षेत्र याद करो वहां विद्युत धारा, वहां पर एक पृष्ठ खींचो, वक्र खींचो, वहां बंद वक्र उसके अंदर देखो विद्युत धारा है या नहीं। अगर हमें अंदर इसके मामले यहाँ देखना है तो हम ऐसे बंद पृष्ठ की वो वक्र खींचेंगे, और इसके अंदर तो है ही नहीं विद्युत धारा, तो इसके भीतर तो चुंबकीय क्षेत्र होगा ही। अगर हम बाहर खींचे इस प्रकार से एक पृष्ठ, तो बाहर के लिए इसकी विद्युत धारा गिरेगी, फिर जब गिरेगी तो बाहर होगा फिर चुंबकीय क्षेत्र, तो अंदर नहीं होगा बाहर होगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फिर, बी हो जाएगा, केवल पाइप के बाहर। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी, केवल पाइप के बाहर। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, करें जमीन से 4 मीटर की ऊंचाई पर किसी क्षैतिज ऊपरी, क्या लिखा, ऊपरी होगा ये, ठीक है हाँ, विद्युत लाइन से ऊपरली विद्युत नहीं शक्ति लाइन से, हाँ शक्ति फिर लाइन लिखा है आगे लाइन, फिर से देख लो, जमीन से 4 मीटर की ऊंचाई पर किसी क्षैतिज ऊपरली शक्ति लाइन से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 100 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसके ठीक नीचे जमीन पर चुंबकीय क्षेत्र है। एक इन्होंने लाइन बिछाई है, शक्ति की लाइन है ना, एक लाइन बिछाई वो जमीन से कितनी 4 मीटर की ऊंचाई पर है, ये जमीन मान लो, तो यहां पर ये 4 मीटर की ऊंचाई पर एक लाइन है बिछी हुई है, इसकी धरती ये जमीन है, जमीन जमीन से ऊंचाई कितनी है इसकी 4 मीटर है, और इन्होंने कहा कि जो भी लाइन है उसमें जो विद्युत धारा है वो किधर से पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, तो जब भी कागज पर या व्हाइट बोर्ड पर हम बनाते हैं तो पूर्व इधर मानते हैं, पूर्व पश्चिम इधर मानते हैं, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और फिर इधर ऊपर हो जाएगा और इसके अंदर नीचे हो जाएगा, तो कागज ऐसे करके तुम बिछाओगे तो ये कागज को ऊपर ऊपर हो गया और नीचे हो गया, तो बोर्ड पर ऊपर इधर की ओर हो गया और अंदर की ओर नीचे हो जाए, ठीक है आप समझ लेना। अब इन्होंने ये कहा है कि इसमें 100 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है पूर्व से पश्चिम, 100 एम्पीयर की विद्युत धारा हमने प्रवाहित की, तो ये कह रहे हैं इसके ठीक नीचे जमीन पर चुंबकीय क्षेत्र, मतलब इसी भी जमीन पर देखना, यानी 4 मीटर की दूरी पर देखना, तार अनंत लंबाई का मान लें क्योंकि और तो कुछ बोला नहीं इन्होंने, है ना, तार के बारे में यानी जो बिछी हुई है ये लाइन, इसके बारे में तो कुछ बोला नहीं, तो अनंत लंबाई का मान लेंगे ये, और अनंत लंबाई के कारण क्या आता है फार्मूला, बी बराबर आता है म्यू जीरो, अपान में मैं लिख ले रहा हूं 4 पाई, वैसे तो आता 2 पाई है लेकिन 4 पाई से लिख रहा है, 4 पाई अगर लिखा होगा तो पूरी वैल्यू पता होगी, जब हमने 2 यहां बढ़ा दिया तो 2i के साथ बढ़ा देना है ना, और अपान में r, तो इसका तो मान 10 की पावर माइनस है ना, गुणा में 2i का मान इन्होंने 100 एम्पीयर लिया है और r का मान कितना है 4, 2 से काट दो है ना, काट दिया, अब 2 से ये भी काट लो 50 गुणा 10 की पावर माइनस 7, 1 0 से घात कैंसिल, 5 गुणा 10 की पावर माइनस 6 मात्रा न्यूटन या टेस्ला लिख लो, टेस्ला में सभी आंसर लिखे हैं इन्होंने, या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब भाई आंसर तो मिल गया लेकिन आंसर तो 2 में है, ए और बी में, तो दिशा भी बतानी पड़ेगी, तो दाएं हाथ की हथेली नियम नंबर लगा दो बस और मत देखो, अंगूठा करो विद्युत धारा की दिशा में, उंगलियां उधर करो जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो विद्युत धारा किधर जा रही, पूरब से पश्चिम की ओर, तो अंगूठा हो गया और उंगलियां नीचे की ओर, ऐसे ही तो होगा फिर, अगर पश्चिम से पूरब जाता तो ऐसे कर लेते हैं लेकिन जहां इधर को रहा है तो ऐसे करके होगा फिर, ये तो हथेली किधर को जा रही है, बाहर की ओर, नहीं समझ में, लेकिन जमीन कहाँ होती है, नीचे होती है, और हमें जमीन बना कहाँ दी है, दक्षिण में, ये रखा हुआ ऐसे है ना समझो,
जमीन तो नीचे होनी चाहिए और हमने बना कहा भी है दक्षिण में। अगर नहीं आपके समझ में तो अब इसमें लगावट पे आंसर गलत आ जाएगा। तो ये इमेजिन करना कागज हमारा ये रखा है, जमीन नीचे की ओर है और विद्युत धारा किधर वो बह रही है, पूरब से पश्चिम। अब देख लो अंगूठा किधर को रखना है, पूरब से पश्चिम की ओर, हथेली नीचे की ओर जानी चाहिए, मतलब उंगलियां नीचे की ओर जानी चाहिए। अब हथेली देखो किधर जा रही है, इधर को आ रही है तुम्हारे तुम लोगों की ओर को, और इधर को देखो इधर पूरब माना इधर पश्चिम, तो इधर होता है। इसे घुमा लो ना ऐसे करके, ये ऐसे करके हमने लिखा है इस पे, इधर पूरब इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। अब हमें नीचे की ओर लगाना है तो नीचे की ओर ऐसे ही तो आएगा, तो दक्षिण तुम्हारे तुम लोगों की ओर चला गया ना। वैसे दक्षिण कैसा ऐसे करके होता, दक्षिण नीचे की ओर था, ऊपर उत्तर, इधर पूरब इधर पश्चिम। लेकिन जैसे हमने इसको नीचे की ओर जमीन लाना तो ऐसे करके तो तुम लोगों की ओर उत्तर आएगा। पेपर का जो ऊपरी साइड है वो उत्तर है, पेपर का जो निचली साइड है वो दक्षिण है, और जो हमारा दायां साइड है वो पूरब है, और पश्चिम साइड वो बायां साइड है पश्चिम। अब तुम पेपर चाहे टेढ़ा करो सीधा करो कोई फर्क नहीं पड़ना, बस ये याद रखो ये पेपर का जो निचला साइड है ये दक्षिण है और ऊपरी साइड क्या है उत्तर है, और जमीन वो है नीचे की ओर। तो नीचे की ओर के लिए यहां पर हमें क्रॉस यानी क्रॉस के द्वारा दर्शाना चाहिए था वैसे रियल में, लेकिन वो 4 मीटर दिखता नहीं क्योंकि वो दिखेगा ही नहीं जब नीचे की ओर को दर्शा। तो ये दक्षिण में बना दिया लेकिन रियल में है कहां नीचे। जब ये दक्षिण में हमने बना दिया नीचे की ओर हमने मान लिया, तो फिर दक्षिण इधर हो जाएगा और पूरब अंदर की ओर, वो पश्चिम वो दक्षिण के बाद उत्तर, उत्तर अंदर की ओर है ना, इस टाइप से कहा। तो ये कौन सी दिशा हो गई दक्षिण वाली है ना, आगे समझ में। यानी दक्षिण की दिशा में हमने बना ली जमीन, तो जमीन की दिशा में दक्षिण, ठीक। तो यहां पर क्या आ जाएगा दक्षिण। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी, ठीक बी ऑप्शन राइट है, तो ठीक नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा चौथा, चौथे क्वेश्चन में कह रहे हैं त्रिज्या ए के किसी लंबे सीधे तार से कोई अस्थायी धारा I प्रवाहित हो रही है। कोई सीधा लंबा तार ले लो, ये मान लो हमने मोटा बना लेना थोड़ा, लेकिन रियल में होगा नहीं इतना मोटा, ये एक तार है सीधा लंबा, ठीक है, थोड़ा सा उसका हिस्सा दिखा रहे हैं। तो कह रहे हैं इसकी त्रिज्या तो A है भाई, यहां लो मान लो त्रिज्या है ना, इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है और ये अस्थायी है, कैसी है मतलब प्रत्येक बिंदु पर विद्युत धारा एक समान नहीं होगी। अगर हमने इसका इतना एरिया घेरा तो कुछ और आएगी, यहां पर घेरा तो कुछ और आएगी, है ना, आगे समझ में नहीं आया। लेकिन अगर हम बाहर घेर रहे हैं कोई मान लो बिंदु ऐसे मान के, तो उसके तो अंदर पूरी आ रही है, जो अस्थायी हो अस्थायी हो बाहर के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि बाहर के लिए तो पूरी आएगी और अंदर के लिए वही फर्क पड़ेगा। अगर ये एक समान होता तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब समझना है तो क्या होगा, आगे आगे पढ़ लेने पहले, इस तार के अनुप्रस्थ काट पर धारा एक समान रूप से वितरित है, लेकिन जो इसके अंदर मतलब ये मान लो पूरा एरिया इस पर एक समान है, ऐसी है एक समान, प्रत्येक बिंदु पर कैसी है एक समान, लेकिन जब हम इतना एरिया घेरेंगे तो कुछ छूट जाएगी ना इधर उधर, वितरित है वो तो पूरे पे, तो इसका मान कुछ और आएगा, और फिर अगर ज्यादा घेरोगे तो ज्यादा आ जाएगी, फिर और ज्यादा घेरोगे तो और ज्यादा आ जाएगी, पूरा घेर लोगे तो पूरी मिल जाएगी। अब बाहर कितना भी बड़ा सर्किल बनाते रहो रहेगी उतनी ही, तो बाहर वाले के लिए एक समान रहेगी लेकिन अंदर वाले के लिए अलग अलग, जितना एरिया उतनी धारा। आगे पढ़ते हैं, तार के अक्ष से त्रिज्या त्रिज्य दूरियों a अपॉन 2, तो a अपॉन 2 कर दिया हमने, तो इसके अंदर की बात हो गई त्रिज्या का आधा, अंदर की बात हो गई ना, और कह रहे हैं 2a त्रिज्या का दुगना कर दिया तो इसके बाहर की बात हो गई, त्रिज्या का दुगना होगा तो बाहर पहुंच गए ना, यहीं से केंद्र से ले लो a ये और a ऊपर तो बाहर आ गया ना, बाहर वाले के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ फिर क्या कह रहे हैं,
पर चुंबकीय क्षेत्र बी और बी डैश का अनुपात है। तो ध्यान देना, अगर अंदर विद्युत धारा चेंज हो रही है बी डैश बराबर किसके हिसाब से, त्रिज्या के अनुसार चेंज हो रही है, तो हमें वैसे तो अनंत लंबाई का वाला ही तार का पहले फार्मूला लगाएं, क्या होता है म्यू जीरो अपॉन टू पाई ही लिख ले रहा हूं अभी, ठीक है, इंटू आई अपॉन आर, या आर हम ले ले रहे हैं त्रिज्या इसकी, इसलिए यहां पर यहां ज्ञात करना है, सपोज या आर ही मान लो, चलो कैपिटल आर मान लो या स्मॉल आर, स्मॉल तो रहने दो कैपिटल मान लो, ठीक है। ये जब ये चेंज हो किसके त्रिज्या के अनुसार, तो हमने मान लो जो दूरी है अंदर वो हम स्मॉल आर मान ले रहे हैं, तो नीचे आर स्क्वायर हो जाएगा, बस ये फार्मूला बनेगा, इसे डिराइव करोगे बस ऊपर वाले में आर से बड़ा हो जाएगी, तो यहाँ बड़े वाले आर से, बड़ा आर का मतलब इसकी त्रिज्या से और स्मॉल आर का मतलब यहाँ का दूरी से जो इसके अंदर है, ठीक है। तो ये बी, बी है भाई कहाँ, इसके अंदर की बात हो रही बी, और बी डैश कहाँ है, टू ए मतलब बाहर की बात। तो अब लगा मान बी बराबर म्यू जीरो अपॉन टू पाई आई, आर की जगह क्या लगाएंगे, ए अपॉन टू है ना, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, ए खाली, तो ए स्क्वायर, तो एक इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये दो नीचे आ जाएंगे, या इसमें गुणा कर लो दो से, तो हो जाएगा बी बराबर म्यू जीरो, चलो वो उधर ही रहने देना, टू पाई इंटू आई अपॉन टू ए, ये आ गया बी का मान समीकरण ए, और जो बाहर वाली होती है वो इसकी त्रिज्या पर निर्भर ही नहीं करेगी, वो तो जितना बड़ा सर्किट खींचते रहो उतनी विद्युत धारा, एक तार हो गया, तो वहां आर वो जो साधा हमने फार्मूला डिराइव किया वही हम यूज करेंगे फिर, क्या था बी डैश बराबर म्यू जीरो अपॉन टू पाई फिर आई अपॉन आर, आर का मतलब यहाँ उस दूरी से है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हमें अब ज्ञात करना है टू ए पर, तो आर का मान यहाँ क्या रखेंगे टू ए, यह लिख देंगे हम सीधे टू ए, ये हो गई समीकरण दो। इन्होंने कहा था बी और बी डैश का अनुपात ज्ञात करो, क्या दोनों सेम नहीं लग रहे तुम्हें, दोनों सेम आ गए, कट के एक एक हो जाएगा, यानी बी बटे बी डैश का मान होगा एक बटे एक, यानी एक ही मान लो, सेम है ना, इसलिए क्या लिखोगे काट कट के एक जैसा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन राइट, आ गया समझ में, ठीक नोट करें। अगला क्वेश्चन है भाई पांचवा, करें एक समबाहु त्रिभुज एक समान तारों ए बी बी सी तथा सी ए से बनाए, बिंदु ए पर धारा I प्रवेश करती है तथा बी सी के मध्य बिंदु से बाहर निकलती है, यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई L है तब त्रिभुज के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। इन्होंने डायग्राम भी बना के दिया है भाई, इस प्रकार से एक समबाहु त्रिभुज मतलब प्रत्येक भुजा बराबर है इसके, और क्या कहा इन्होंने कि नाम दे दो पहले ए बी सी, इन्होंने कहा जो विद्युत धारा वो ए से प्रवेश करती है यहां है ना, ये प्रवेश कर गई यहां पर, फिर इन्होंने कहा जो बी सी है इसके मध्य बिंदु से बाहर निकल गई ऐसे करके है ना, तो क्या पूछ रहे हैं हमसे, तो इसका केंद्र जो ओ है इस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताओ, यहां से जो विद्युत धारा आएगी कुछ इधर, और ये संभव है तो आधी आधी बट जाएगी दोनों तरफ, इसकी इधर को जाएगी और इसकी इधर है ना, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो किधर की ओर होगा, मतलब उसकी दिशा कहां होगी, तो इसके कारण अंगूठा करना है इसकी दिशा में और ये उंगलियां इस बिंदु की ओर करना है, तो इस प्रकार से अंगूठा लो पहले, हाँ उसके लिए करना ना ऐसे करके आ जाए, हाँ टेढ़ा हो रहा है ऐसे करके है ना, उंगलियां इसकी बाहर की ओर हो गई, अब इसके लिए उंगलियां इधर करना है और अंगूठा इधर को, इसके लिए अंदर की ओर हो गया, अरे आप ऐसे दो अंगूठा नीचे की ओर होना चाहिए, उंगलियां इसकी ओर, अपोजिट हो गए एक दूसरे के और दोनों की लंबाइयां बराबर है, यह मान लो केंद्र से दोनों ही की दूरियां सेम होंगी क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो क्या हो गया भाई निरस्त कर दिया एक दूसरे को इन्होंने,
इसका चुंबकीय क्षेत्र, इसका चुंबकीय क्षेत्र जीरो, सेम ऐसा ही है, ये इधर को आ रहा है, ये इधर को, और ये मध्य बिंदु पर है दोनों, इसकी दिशा इधर को, इसकी दिशा, इनके भी अपोजिट आएंगे एक दूसरे के, तो ये भी एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जीरो। तो मैंने ये जब डेरिवेशन हो रहा उस समय भी समझाया था कि वृत्त वाले में ये क्या होता है कि अगर इसके कोई दो बिंदु हो, एक से विद्युत धारा प्रवेश करे, दूसरे से बाहर निकले, तो जीरो ले लेगा, क्योंकि इसके कारण जितना चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ऐसे ही इसमें लग जाएगा, है ना। तो यहां तो हल करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली जीरो। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका भाई? बी, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे संग में है ना, अगला कर ले फिर छठा, पहले नोट कर लो, उसमें भी डायग्राम ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा भाई छठा, उसका डायग्राम ये बना हुआ है, तो समझते हैं इसमें क्या बोला है इन्होंने। करंट चित्र में प्रदर्शित आकृति में चालक से प्रवाहित धारा आई है, जो आकृति बनी है इसमें जो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा है वो क्या है, आई है। इसके वक्र मार्ग की त्रिज्या स्मॉल आर है, जो वक्र है इसकी त्रिज्या मान लो क्या है, स्मॉल आर है, दी है इन्होंने मान कर, तथा सीधे भाग अत्यधिक लंबा है, अत्यधिक लंबाई का, जो सीधे वाले भाग है तो बहुत ज्यादा लंबाई है, उन्हें अनंत लंबाई का मान सकते हो, ठीक है। केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, ओ वाले पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। एक बात ध्यान रखना कभी भी कि जो सेंटर है दिया हुआ केंद्र, और उसके अनुदिश कोई रेखा खींची हुई हो, मतलब हमें ऐसा लगे कि उस पर वो सेंटर स्थित हो सकता है, जहां पर यह उप बिंदु स्थित हो सकता है, जो जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र, तो समझ लो वो जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो। जैसे ये जो लाइन है, अगर ये पीछे की ओर बढ़ाओगे तो सेंटर में मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो इस लाइन के कारण, इस रेखा के कारण या इस तार के कारण जो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो होगा जीरो। सीधे वाले की बात हो रही है, सीधा का कोई भी तार हो, इसे डेरिवेशन मत करो, डायरेक्टली जीरो लिख लो उसका, है ना, क्योंकि वो उसी से होकर जाएगी। और हमारे पास में फार्मूला क्या होता है, उससे कुछ ना कुछ दूरी पर होना चाहिए, अब वो सेम उसी उसी पर ही है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या माने वहां पर जीरो। तो बच्चा आप कौन सा भाग, एक ये बच्चा वृत्तीय भाग, वो भी इतना, क्योंकि इसका एक हिस्सा निकला हुआ है, और एक बच्चा ये सीधा तार, है ना, ये सीधा तार तो भाई इससे स्मॉल आर दूरी पर ही होगा, ये दूरी स्मॉल आर ही तो होगी, यहां तक सीधा तार है ये, इसका नाम दे दे रहा हूं मैं, ये दे दे रहा हूं, चलो यहां से दे दे रहा है, यहां से चालू कर दे रहा है, ये डी है, ये सी है, इसे मैं मान ले रहा हूं इधर बी, और ये घूम के आ गया मान लो ए, तो ए बी सी हो गया तुम्हारा वृत्तीय। तो ये जो ए ए की साइड में इधर वाला, उसके लिए तो जीरो है ही, क्योंकि वो केंद्र पर आ रहा है। अब हम बात करेंगे इसकी, कौन से, सी डी वाले के लिए। तो जो सी डी वाला है उसका एक सिरा तो अनंत लंबाई का डॉट डॉट करके, दूसरा सिरा अनंत लंबाई का नहीं, क्योंकि यहाँ पे एंड हो गया, ये दूसरा सिरा तो परिमित है, तो यहाँ पर अनंत लंबाई का ना लगा के किसका लगाना है, बायो सेवर्ट का नियम लगाना। कौन सा नियम लगाना है? बायो सेवर्ट। बायो सेवर्ट का नहीं लगा तो वो लगा लो परिमित लंबाई कारण चुंबकीय क्षेत्र। जब सिरा अनंत लंबाई का हो जाता है तो थीटा बराबर कितना हो जाता है, 90। थीटा बराबर 90 लेते जीरो, जीरो लेते हो अनंत लंबाई के लिए भैया, क्योंकि तो यहाँ पर अनंत लंबाई का होगा ये बिंदु, ये तो बहुत ऊपर हो जाएगा, तो ये लगभग इतना तिरछा आएगा कि बहुत ना के बराबर कोण बनेगा, ठीक है। तो अगर अनंत लंबाई का कोई भी तार है और उसका हमने बी मतलब कोई ऐसा बिंदु लिया बीच में या कहीं पर भी, तो हम क्या कर देंगे उसके लिए कोण ले लेंगे जीरो। और अगर एक सिरे पर ले लिया हमने, एक सिरे के लिए तो 90 हो जाएगा, दूसरे सिरे के लिए जीरो, ठीक है। आगे संग में, या फिर लगा लो बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट में पूरा तार चाहे अनंत लंबाई को कैसा भी हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना, बस थीटा का मान आना चाहिए। तो देखो बायो सेवर्ट के नियम से ही लगा देना। बायो सेवर्ट का नियम क्या था, बी लिख ले रहा हूं, और ये कौन सी बी है, सी डी वन, उसका था न्यू जीरो उनका अपॉन में 4 पाई आई इंटू डी एन, लेकिन ये तो अनंत लंबाई का है, अपॉन में आएगा आर स्क्वायर, इसलिए परिमित लंबाई का ही चलेगा, क्योंकि फिर उसे भी हल करोगे भाई। तो परिमित लंबाई का था म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन जो भी दूरी है आर, ब्रैकेट में क्या था साइन फाई, फाई 1 है ना,
तो साइन फाई बन का मान देखो यहाँ पर एकदम 90 अंश का कोण बनेगा एकदम सीधा एकदम, है ना। तो साइन 90 है प्लस अब आएगा साइन फाई 2, वो अनंत लंबाई का है तो उसके कारण इस पर इतना छोटा कोण बनेगा उसे हम जीरो मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा जीरो। साइन 90 का मान 1, साइन 0 का मान 0, 1 और 0 1, मतलब यही वाली वैल्यू बचेगी। म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। आगे समझ में ए। अब ये वाले की बात करेंगे तो इसके लिए हमारा फार्मूला क्या था, अगर कहीं पर भी वृत्त कोई वृत्त है उसका कुछ भाग दिया हो तो मान लो हमने ये बी भी निकालना है इसकी सी बी ए की, तो फार्मूला होता है म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर और इंटू थीटा कोण जो भी बनेगा। तो यहां से यहां तक 90 फिर 90 फिर 90 270 कोण हो जाएगा इस पर जिस तार के कारण निकाल रहे हैं उसके कारण 270 को लिख सकते हैं 3 पाई अपॉन 2। ये हो गई समीकरण 2। अब हमें चाहिए कुल चुंबकीय क्षेत्र बी, तो इन दोनों का योग होगा क्योंकि इन दोनों की दिशा एक ही होगी। हाँ अंगूठा कर लो विद्युत धारा दिशा में, भाग याद करना है कहां रहा हथेली कहां जा रही कागज तल की लंबत अंदर की हो कहीं पर भी देख लो सभी में अंदर की हो जाए इसलिए योग हो जाएगा जुड़ जाएगी। तो जोड़ोगे इन दोनों कौन से इसे और इसे, तो जोड़ने से अच्छा इनमें कॉमन ही ले लो सेम वाला। तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई, आई इन्होंने कौन सी दी वही आई लिखो बड़ी आई दी कैपिटल है ना, तो दोनों से कॉमन हो जाए कैपिटल आई अपॉन स्मॉल आर। ऊपर क्या बचेगा 1, नीचे बचेगा 2 पाई अपॉन वो 3 पाई अपॉन 2, लिखा कैसे है पहले इसे लिखा है 2 पाई अपॉन वो 3 पाई अपॉन 2 प्लस में ऊपर क्या बचा 1, ये हो जाएगा ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी। इस बात का ध्यान रखना भाई कि दोनों ही सिरे अनंत लंबाई के होंगे तभी अनंत लंबाई का फॉर्मूला लगेगा, और एक सिरा परिमित है दूसरा अनंत लंबाई का है तो तुम परिमित लंबाई के कारण लगाओ बस दूसरे वाले का कोण क्या ले लेना 0। वहां विशेष स्थितियों में लिखा भी था हमने है ना, हाँ कि दोनों कोण कैसे हो अनंत लंबाई के हो बीच में बिंदु हो तो 90-90 लेके फिर काटा था, लेकिन अगर हम एक सिरे पे पहुंच जाते हैं तो एक सिरे पर पहुंचने पर एक कोण 90 दूसरा 0 विशेष स्थितियों में है ना, ये आंसर हो जाएगा। तो अगला डायग्राम हमारा ये बना है क्वेश्चन नंबर 7 का है, तो समझेंगे यहाँ पर पहले तो बात करें इन्होंने पूछा क्या है, कह रहा है संगलन चित्र में केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी इस बिंदु O पर हमें बता, ठीक है ये केंद्र है इन दोनों का संकेंद्रीय है, इसमें विद्युत धारा की बात नहीं की हम जो ऑब्जेक्टिव में बोला है आई वो आई मान सकते सभी में ठीक है। तो मैंने क्या बताया था जो केंद्र के सीध के भाग होंगे उनके कारण तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र 0 माना, तो ये केंद्र के सीध में पड़ रहा है ये हिस्सा और वो वाला, यानी अगर हम नाम दे दें इसे ए बी सी ये डी मान लो है ना फिर ई तो यहाँ बीच का रह गया ना बी है मान लो या सी मान लो बी माना या सी माना ये डी माना और ये ई मान लो और ये क्या है एफ, तो जो ए एफ है या एफ ए और सी डी इन दोनों का तो चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा क्योंकि ये केंद्र की सीध वाली रेखा पे आ गए, अलग बी ए एफ ए और बी सी डी बराबर तो 0। अब बचा कौन सा ये वृत्तीय भाग और ये वृत्तीय भाग दोनों अर्धवृत्त हैं, केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाएंगे 180 का बनाएंगे और 180 का मतलब है 2 पाई तो दोनों इसके हाँ पाई सिर्फ पाई 360 हो जाएगा ना पाई दे तो बी बन मान लो किसके कारण जी आर बन वाले के कारण क्या आएगा फार्मूला म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर और इनटू थीटा लेकिन आर की जगह आर बन ले और आई बन की आई की जगह कैपिटल आई क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कैपिटल आई और थीटा का मान क्या लिखोगे पाई पाई ने पाई काट दिया तो बी बन बराबर क्या आ जाएगा म्यू 0 अपॉन पाई वो पाई ने 4 है भाई आई अपॉन
आर वन, ऐसे बी टू भी आ जाएगा उसमें आर टू आएगा, बस ये हो जाएगा म्यू जीरो अपॉन फोर आई अपॉन आर। अब ध्यान दो, अगर ये दोनों चुंबकीय क्षेत्रों की दिशाएं सेम है तो जोड़ना है और अपोजिट है तो देखो विद्युत धारा की दिशा अपोजिट है, एक इधर है एक इधर, तो चुंबकीय क्षेत्र भी अपोजिट होगा, घटाना है ठीक है। लेकिन अगर ये साथ में ये भी पूछने लगे किधर है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो जिसका मान ज्यादा होगा उसी की दिशा बचेगी फिर, और मान किसका ज्यादा होगा जिसके बटे में कम होगा। तो चित्र में बटे में किसका कम लग रहा है, जिसकी त्रिज्या छोटी लग रही है वही तो बटे में कम होगा, मतलब आर वन बड़ा लग रहा है। अगर ये हमसे साथ साथ में पूछते, इसमें पूछा नहीं कि चुंबकीय क्षेत्र दिशा किधर भी होगी, बताओ साथ में ही, तो जिधर आर वन वाले की दिशा होगी। तो अंगूठा किधर करना है, दाएं हाथ का जिधर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और उंगलियां उधर करना है जिधर चुंबकीय क्षेत्र गया। तो इस प्रकार से ही तो लगाओगे, अंगूठा इधर को उंगलियां नीचे, मतलब अंदर की ओर हो गया है ना। इस वाले के लिए मतलब आर वन वाले के लिए अंदर की ओर हो जाएगा, यानी यहां पर अंदर की ओर के लिए क्रॉस लगा दो, यानी पहले वाले के लिए क्रॉस हो गया ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछते तो क्रॉस वाली बचेगी, मतलब कागज तल के लंबवत अंदर, तो उसके लिए बाहर की ओर आ जाएगी, क्योंकि अंगूठा अलग करना इधर करना उंगलियां नीचे की ओर, आरा बाहर की ओर मतलब इधर का, इस पर हम लगा देंगे डॉट। तो घटाना ही है पारा भी निकालने के लिए, तो घटाएंगे तो अधिक में से कम वाला, तो अधिक तो ऊपर वाला चुंबकीय क्षेत्र होगा मान, ये नीचे वाला घटाओ, सेम वाली चीज कॉमन ले लो, बस यही है ऑब्जेक्टिव में सभी में है ना। तो म्यू जीरो कॉमन ले लिया, ऊपर से आई कॉमन ले लिया बटे में फोर, या ऊपर कुछ नहीं बचा तो वन बटे आर वन है ना, माइनस वन अपॉन आर टू, ये हो जाए, कौन सा ऑप्शन हो गया, ए हो गया। और ध्यान रखना अगर साथ में दिशा भी पूछ लेते तो कागज कल के लंबवत बाहर की ओर, ये अंदर की ओर, अंदर की ओर भाई डी वन वाले का बचेगा ना, तो कागज कल के लंबवत अंदर की ओर ठीक है। अगला आठवां क्वेश्चन है भाई हमारा, ये इसमें भी इन्होंने ये कहा है कि संकलन चित्र में एवी भाग में धारा प्रवाहित होने के कारण बिंदु किस पर बी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी है ना। ए बी में जब धारा प्रवाहित होगी क्या इसमें नहीं होगी, सभी में होगी है ना। तो जो ए बी वाला हिस्सा है ये इसके केंद्र की सीध में आ रहा, मतलब इसे हम बढ़ाएंगे इसके केंद्र इसी पर आ जाएगा, तो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जीरो होगा। और सीडी वाला हिस्सा है इसके कारण भी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जीरो, क्योंकि उसको पीछे बढ़ाओगे तो आ जाए। तो कौन सा बचा, सिर्फ ये वृत्तीय बचा आधा वृत्त वाला, और आधा वृत्त वाला केंद्र पर कितने इंच का कोण बनाएगा, 180 का, यानी पाई का बनाएगा। तो लगा दे डायरेक्टली फार्मूला क्या होगा, बी बराबर म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई अपॉन आर त्रिज्या इनटू थीटा, थीटा जगह क्या आएगा पाई, आई है कैपिटल, तो पाई ने पाई काट दिया, बी बराबर क्या मिल गया हमें म्यू जीरो अपॉन फोर आई अपॉन आर, कौन सा ऑप्शन हो गया, सी, सी ऑप्शन ठीक नोट। अगला क्वेश्चन है भाई नमा, पढ़ लेते हैं क्या कहा इन्होंने, उसका डायग्राम ये बना के दिया है। ये कह रहा है कि चित्र अनुसार एक सीधे लंबे तार को, सीधा लंबा मतलब अनंत लंबाई का ठीक है तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के लूप में मोड़ा गया, तो उसका कुछ भाग मोड़ दिया भाई है ना, जैसे ये तार था ऐसे करके, इसका इतना भाग मैं मान लो ये क्या बना दिया ऐसे करके, ये वैसे ही वाला है, आगे सही में मुड़ गया, तो ये विद्युत धारा यहां से गई ऐसे करके, और यहां पर मान लो थोड़ा सा कट हो ये ऐसे करके आएगी फिर ऐसे करके जाएगी, तो दिख रहा है कि एकदम सीधा ठीक है। कहें यदि लूप में 8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, लूप में प्रवाहित होगी तो इसमें भी प्रवाहित होगी 8 एम्पीयर, तब चुंबकीय क्षेत्र का मान और उसके लूप के केंद्र पर दिशा होगी, लूप पर हमें मान भी बताना और दिशा भी बताना है ना। तो पहले तो ये देखो कि एक तो तार हो गया, तार ही मानो उसमें से कुछ ही तो भाग हटाया है ना, एक वृत्त हो गया,
इन दोनों के कहां केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जो निकालेंगे दोनों के कहां निकलेगा, आगे समझे, एक तो इस वृत्त के कारण भी निकलेगा और इस तार के कारण ये भी उत्पन्न करेगा, दोनों ही उत्पन्न करेंगे। तो देखे केंद्र पर समान दिशा तो जोड़ना है और अपोजिट दिशा तो बनाना, तो इस वाले के कारण देखो ऊपर को ले जा रहा है और यहाँ ज्ञात करना है, अंदर हो गया कागज तल की लंबवत अंदर की ओर, इसके लिए देख लो कहाँ आएगी दिशा, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है इधर को ये उस पे देख लो, कहीं पर भी देख लो, इसमें तो दिशा सही है, तो अंगूठा ऐसे रखोगे उंगलियां इधर करोगे कहीं पर, इसमें बाहर की ओर हो रही है इसके लिए अंदर की ओर तार की, इसका मतलब घटेगा फिर है ना, इसके में से ये घटा लो, बड़े में से छोटा वाला घटा लेना, या मान धनात्मक ही आएगा उसी में से कोई का घटा लो, ये तार तो अनंत लंबाई वाला हो गया, इससे दूरी इसके सेंटर के ही बराबर होगी 10 सेंटीमीटर है ना, जब ये 10 सेंटीमीटर तो निकाल लेते हैं भाई, तो बी बराबर डायरेक्ट लगा दे रहे थे, क्या होगा अनंत लंबाई का क्या होता है, म्यू जीरो अपॉन टू पाई आई अपॉन आर, माइनस कर रहे हैं इस वृत्तीय वाले के का, वृत्तीय वाले के लिए क्या मिलता है, म्यू जीरो अपॉन में टू और आई अपॉन वृत्त के धारावाही कुंडली, कुंडली लगा लो और कुंडली लगाओ तो यहाँ 4π लगाओ यहाँ उड़ा में 2π, कोण 2π बनेगा, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 4 से 2 कट के यही बचेगा। अब इसमें क्या करना है भैया, पाई अगर और हो तो यहाँ मान लगा देते हैं हम इसका, तो पाई से गुणा ही कर लो ऊपर नहीं तो क्या करोगे, मजबूरी है ना। अब म्यू जीरो अपॉन टू, आइए सेम सेम चीज वाली सब कॉमन ले लो, म्यू जीरो अपॉन टू पाई आई अपॉन आर, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा वन, और उधर क्या बचा माइनस का पाई, इसका मतलब हमने उल्टा लगा दिया, पाई का मान तो वन से बड़ा ही होता है, मान माइनस का आएगा, मतलब ये प्लस में होना चाहिए था और ये माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है, मॉड में कहा ना मॉड में आएगा मान, चाहे प्लस का है माइनस का लेना प्लस, ये पाई माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस, वैल्यू लगाओ भाई, इसका हो जाएगा 2 नहीं है तो ऊपर 2 से गुणा कर दिया, नीचे भी तो 4 हो गया, अब हो जाएगा 10 की पावर -7, ये इसका डायरेक्टली यही मान समझ लो, म्यू जीरो अपॉन टू पाई का 2 × 10 की पावर -7, आई का मान कितना है 8 एम्पियर, आर का मान है 10 सेंटीमीटर, हटाएंगे 10 की पावर -2, अंदर हो गया पाई का मान 3.14 है ना, माइनस का 1, आगे समझ में, 0 घात कैंसिल, 1 घात बची वो ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, वो भी 1 घात कैंसिल कर देंगे, 6 रहे, 8 × 2 = 16 × 10 की पावर -6, और अंदर बचा 2.14, 16 × 2 कर दो तो आ जाएगा 16×64 = 4 हासिल लगा 6, 16 × 16 = 6 = 22 हासिल लगा 2, 16×2 = 32 और 2 36 नहीं 34 34 पॉइंट के अंक से पहले 2×10 की पावर -6, पॉइंट एक अंक और इधर कर लो तो हो जाएगा 3.424×10⁵5 बचेगी, मात्रक क्या दिया है, सभी में मात्रक लिखा है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, तो भाई ये मान आ गया, पहले तो ये देखो ये मान आएगा सिर्फ बी वाले में, तो दिशा की तो जरूरत भी नहीं पड़ी, फिर एक ही जगह तो लिखा है वही आंसर, और वैसे भी दिशा किधर को बच रही थी, अब किसका ज्यादा है, पाई वाले का ज्यादा है ना, पाई वाला, पाई वाला कौन है, ये वृत्त है, तो वृत्त के लिए तो बाहर की ओर आ रही है, अंगूठा लगा रहे कागज तल की लंबत बाहर की ओर, तो बी ऑप्शन राइट है, ठीक है, ठीक है, अभी समझा देंगे बी वाला, समझो देखो यहां पर दोनों के कारण निकालना है, तार के कारण और इस वृत्ताकार के कारण, अगर दोनों की दिशा सेम है तो ये जुड़ेगा, अपोजिट है तो घटेगा, तो हमेशा बड़े वाले में छोटे वाला घटाना है, तो देखो मान किसका बड़ा आएगा, अब बाई चांस भूल भी जाओ कि बड़ा कौन सा है, तो हमेशा मॉड ले लिया करो, मतलब लास्ट में प्लस की ही वैल्यू लेना, क्योंकि दिशा बता रहा है ना,
सदिश राशि जब आती है तो दिशा जब बताते हैं तो प्लस माइनस नहीं लिया जाता है ना। तो अब हमने तार के कारण क्या होता है, अनंत लंबाई तार है तो म्यू जीरो अपॉन टू पाई आई अपॉन आर, और जो वृत्ताकार कुंडली है उसके कारण क्या होता है, म्यू जीरो अपॉन टू पाई नहीं होता है, म्यू जीरो अपॉन टू आई अपॉन आर। पाई इसलिए लगा लिया जिससे कि कॉमन मिल जाएगा सेम वाला, तो पाई से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अब जो वैल्यू सेम है वो कॉमन ले लें, या म्यू जीरो अपॉन टू पाई आई अपॉन आर कॉमन, ये प्लस का लेना क्योंकि ये बड़ा हो गया और ये माइनस का क्योंकि ये छोटा, तो ये बाहर हो गया ये अंदर बच गया। इसकी वैल्यू लगा लो दो गुणा दस की पावर माइनस सात, आई का मान ये आर का मान ये, अब पाई का मान लगाओ माइनस एक लगा लो, फिर ये घटा के लिख लो इसे हल किया तो गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कहेंगे भाई दसवां क्वेश्चन है, समझना है इसे। कह रहा है किसी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पास में, पास मतलब लूप या कुंडली 3 सेंटीमीटर, स्मॉल आर से लिख लो चाहे कैपिटल आर से लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ना है, 3 सेंटीमीटर है ना। फिर क्या कह रहा है ये, प्रवाहित धारा के कारण, प्रवाहित धारा, धारा का मान नहीं बताया क्या है, आ ही रहने देना ठीक है, के कारण पास के अक्ष पर, जो पास है उसके अक्ष पर यानी लूप की अक्ष पर हम बात करें तो उसके केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 54 माइक्रो टेस्ला है। तो हम ये दूरी मान लेते हैं एक्स है ना, केंद्र से अक्ष पर जो दूरी होती है वो मानते हैं एक्स 4 सेंटीमीटर। अब चुंबकीय क्षेत्र दिया अक्ष पर, यहां लिख दे रहा हूं ए एक्स, ठीक है, कितना है 54 माइक्रो टेस्ला, ठीक है टेस्ला फैराडे टेस्ला। पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, हमें सेंटर पे चाहिए उसके सी मान, दोनों के फार्मूले याद होने चाहिए। फिर इसका फार्मूला क्या होता है, इसी के बराबर में हम डायरेक्ट लिखेंगे तो म्यू जीरो अपॉन टू, फेरों की संख्या है तो एन लगाना, फेरों की संख्या की बात नहीं करें तो मत लगाना, आई आर कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2, और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है म्यू जीरो अपॉन टू इंटू में आई अपॉन आर या ए जो भी लो है ना, इसके कारण दिया है, इसके कारण निकालना है, तो इस वाले को इस वाले से भाग कर लो, जिसका मान दिया उससे भाग कर लिया करो। तो अब जब भाग करोगे तो बी सी ऊपर आ जाएगी और बी एक्स वाला यहां बराबर में, अब भाग कर रहे हैं भाई ये तो कॉन्स्टेंट तो पूरा कट जाएगा, आई से आई कट जाएगा ठीक है, ये आर नीचे रहेगा ना, नहीं आई समझ में, 1/r मान लो बचा इधर वाला इसका है ना, ये आ रहा है भाग में, भाग में जब लिखते हैं तो उल्टा लिखो, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे है ना, तो आ जाएगा r की पावर 2 प्लस x की पावर 2 की पावर 3/2 और बटे में r स्क्वायर। आगे समझ में नहीं आया है ना ये वाला, क्योंकि जब भाग करोगे तो ये नीचे आएगा ना, ये उल्टा लिख दिया करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक। अब इसे थोड़ा और हल कर लेते हैं फिर मान लगा देंगे, यह हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 2/2 वो आर की पावर तो 3/2 हो ही गई, और यह क्या हो जाएगा फिर आर क्यूब है, अगर इसको क्यूब ऊपर वाले का भी उसका रूट होगा अगर देखना चाहोगे तो क्या आएगा, इस पर अगर क्यूब देके अंडर रूट लगाए तो घात 3 है ये, चलो वैल्यू लगा लो डायरेक्ट हल कर लो कोई नहीं जा रहा, लेकिन ध्यान रखना कि यहां सेंटीमीटर को मीटर में बनाना है तो यहां पर भी मीटर बना लो एम के एस पद्धति है हा? या फिर इसको किसी प्रकार से इसके अंदर घोस दो, फिर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ही लगा कोई फर्क नहीं पड़ता, आ रहा समझ में, यहां क्या है 1/3 पावर है ना, वो 3/2 पावर है,
तो यहाँ तीन तो पहले से हम इसमें दो से गुणा कर लेते हैं, दो से भाग कर लेते हैं, तीन बटे दो पावर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी है ना, और ये दो पावर लगी रह जाएगी इस पे, तो यहाँ हो जाएगा आर की पावर दो प्लस एक्स की पावर दो बटे में आर की पावर दो, क्योंकि तीन बटे दो का मतलब है पूरे पर लगा लिया एक साथ। अब इससे भाग कर लो इसे, तो वन प्लस एक्स की पावर दो बटे आर की पावर दो, बस यार। अब डायरेक्ट रिलेशन हो गई, अब कहीं पर भी करे तो ये हल मत किया करना, उसके अक्ष पर दिया उसके केंद्र पर दिया, तो ये फार्मूला है। अब इसका मान लगा दो, इसका बटे वाले की उधर गुणा कर लेना फिर जाके, तो हो जाएगा बी सी सेंटर वाला निकालना है, तो इसका है 54 माइक्रो टेस्ला, तो माइक्रो में ही आंसर आएगा हमारा, बराबर एक प्लस इसका मान कितना है एक्स का, चार चौक 16 कर लो, और नीचे तीन तीन 9। अब कहोगे सेंटी में मीटर में क्यों नहीं लगाया, ये भी सेंटी कट जाएगा, ऊपर नीचे की सेम घात, वो सेम मात्रक हो जाएगा, की पावर 3 बटे, अब यहां हो जाएगा 9 एकम 9 और 16 25, 25 की पावर तो बटे में 9 भी है, की पावर 3 बटे 2, तो यहां बटे में 2 है, पहले इसका रूट कर दो फिर उसका क्यूब कर दो, रूट का मतलब 5 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 3, फिर इनका घन करना है, तो 5 का घन हो गया 125 और 3 का हो गया 81, 27, 81 नहीं 27, 3 थी 9 थी 27, और ये 54 उधर हमने गुणा में पहुंचा दिए, तो BC बराबर हो गया 25 नहीं 125 है ना, क्योंकि तो क्यूब कर दिया ना 5 का, अब बटे 27 गुणा 54, तो 27 दो नहीं 54, 2 की गुणा कर लो 250 माइक्रो टेस्ला, 250 माइक्रो टेस्ला कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन राइट हो गया है ना, ठीक है नोट करेंगे।